तो यहां पर इसको अब मोबाइल फोन से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये काफी खास होता है कि मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट होगा। तो यहां पर ये स्मार्टफोन है और यहां पर ये है। सबसे पहले आपको टीवी में क्या करना है, जो एंड्रॉयड टीवी है वही कनेक्ट होगा। इसके लिए मुझे यहां तक आना है, इस वाले फंक्शन पे आना है, ये जो आप देख रहे हैं आइकन। तो इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। अब नीचे मैं आता हूं, ये देखिए, अब वो सरदार जी वाली जो फिल्म है वो सेलेक्ट हो गई, उसके नीचे ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इधर चलना है, ये यहां तक मैं आ गया। अब मुझे इसमें से ये मीरा कास्ट वाला जो एप्स है सेकंड नंबर का, इसको सेलेक्ट करना है। तो ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ, अब ये दूसरा वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पर ओके कर दूंगा, ओके कर दिया तो ये वाईफाई ऑन हो गया। अब मेरे टीवी का तो वाईफाई ऑन हो चुका है। अब आसपास कोई भी मोबाइल होगा, कोई भी मोबाइल जो एक बार पहले इससे कनेक्ट हो चुका हो, ऐसा नहीं है कोई नया आदमी भी कोई मोबाइल आसानी से कनेक्ट करा देगा, जो पहले से कनेक्ट हो चुका होगा वो मोबाइल होगा, और जो पहली बार कनेक्ट होगा उसमें पासवर्ड मांगेगा। तो जो यहां पर पासवर्ड आएगा वही पासवर्ड आपको मोबाइल में डालना है। तो मेरा फोन पहले से कनेक्ट है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने नेट भी ऑन कर लिया। चाहे तो आप, अगर आपको इंटरनेट से नहीं चलाना, आपको अपने एसडी कार्ड में जो फिल्म है जो वीडियो है वो प्ले करनी है, तो इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आपको वाईफाई ऑन करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, इसके बाद आपको स्क्रीन कास्ट पर जाना है। स्क्रीन कास्ट पर जाते ही यहाँ पर कोडेक टीवी लिखा हुआ आ जाएगा, तो यानी ये कनेक्ट हो रहा है। तो इस पर मुझे क्लिक करना है, पहले से मैंने पासवर्ड डाल रखा है। तो ये मेरी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो यहां पर आ जाएगी। अभी देखिएगा, ये मोबाइल की स्क्रीन आ गई। अब मैं यहां पर अगर मान लो मैं इस तरह से करता हूं, तो यहां पर ये ऊपर नीचे ये होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी फिल्म चला सकते हैं। अब मैं एक फिल्म चला के दिखाता हूं आपको YouTube से। ये मैंने YouTube सेलेक्ट किया, लेकिन इंटरनेट ऑन नहीं है, तो मैं इंटरनेट को ऑन कर लूंगा। अब यहां पर मान लो एक मैं अपनी ही वीडियो एक प्ले कर देता हूं, एक मैं अपनी ही वीडियो यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी लेटेस्ट वीडियो थी। तो यहाँ पर शॉपिंग है श्योर, जब दिखे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड। तो यहाँ पर ये मेरा वीडियो, कैसे हो आप लोग, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक ये मेरा वीडियो चलने लगा, लेकिन अब आप कहेंगे कि ये फुल स्क्रीन चलाना है, तो फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पर जो यूट्यूब में ही आपका एक सिंबल होता है ये बॉक्स वाला, इसको कर देंगे तो फुल स्क्रीन हो गया, आप फुल स्क्रीन में आसानी से चला सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि सही कहा गया है कि जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, और महंगा खरीदो एक बार, सस्ता खरीदो बार बार। तो यहां पर ये मैंने खरीदा था करीब इसको, मतलब मुझे इसे तो यहां पर ये हो गया। आप इसको देखो, अगर किसी, बहुत सारी फिल्में ऐसी होंगी कि छोटी और बड़ी स्क्रीन वाली होंगी, छोटी और बड़ी स्क्रीन वाली, तो उनको कैसे करना है, यहाँ पर अपने फोन में इसको इस तरह करेंगे तो मिनिमम स्क्रीन हो जाएगी, और इस तरह करेंगे तो मैक्सिमम स्क्रीन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी फिल्में होती है छोटे, मतलब बहुत छोटी दिखाई देंगी, तो आपको अपने उंगली से इसको चौड़ा करना है, इस तरह से, इस तरह से करके छोड़ दीजिए, तो आप आसानी से इसको, 2.5 साल हो चुका, 2.5 साल से मैं इसे कंटिन्यू। अब आप इसकी आवाज देख रहे हैं, इसकी आवाज, और यहीं से मैं आवाज बढ़ा भी सकता हूं। अभी ये कंटिन्यू यूज हो रहा है, इससे पहले मैंने 2.5 साल कम भी कर सकता हूं, इंटेक्स का भी लिया, जेब्रोनिक्स का भी लिया। बाकी अगर आपको यहां से करना है तो प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों ही खरीदा, लेकिन मैं कम से कम 6 खरीद चुका हूं सस्ते के, ये प्लस माइनस हो गया, 300 रुपए वाला खरीदता हूँ, और उसका कोई ना कोई की बार बार खराब हो जाता है और उसको बदलना ही पड़ता है। माउस की क्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं अच्छी होती, उसका जो यूएसबी पॉइंट है। तो इस तरह से आप
अपने जो फोन को है टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैसे उस समय मैंने इसको 9,000 रुपये में लिया था, अभी भी ये किसी सेल के दौरान खरीदेंगे तो 9,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा।